इस वीडियो में मैं आपको नेस्टेड फॉर लूप के बारे में बताऊंगा। नेस्टेड फॉर लूप लूप इनसाइड लूप होता है, यानी कि एक लूप के अंदर एक और लूप, और जो अंदर वाला लूप होता है वो पूरा का पूरा चलता है एक सिंगल आइट्रेशन के लिए एक्सटर्नल लूप की। इसका मतलब ये है कि जो एक्सटर्नल लूप अगर वो एक दफ़ा चलेगा तो उसके अंदर जो लूप है वो उस आइट्रेशन के लिए कंप्लीट चलेगा। इसी तरह सेकंड आइट्रेशन के लिए फिर कंप्लीट चलेगा। थर्ड फोर्थ जितनी फर्स्ट की जो आइट्रेशन होंगी उनके लिए पूरे का पूरा लूप चलेगा सेकंड वाला। तो इसकी एक एग्जांपल ट्राई करते हैं के लिए हम दो लिस्ट डिफाइन करते हैं, एक कलर रेड एंड ब्लू, इसे स्ट्रिंग होना चाहिए। और दूसरा फ्रूट, एप्पल, बनाना। फ्रूट्स में कलर नहीं होते, ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। फॉर एक्स इन कलर, अब इसी लूप के अंदर दूसरा लूप आएगा फॉर वाई इन फ्रूट्स। अब हम जो वैल्यू है वो उसको प्रिंट करवा देते हैं। एक्स ये हमारे पास स्ट्रिंग होगी और y ये भी एक स्ट्रिंग होगी, और ये जो प्रिंट फंक्शन है ये इन दोनों वैल्यूज को कंकैटिनेट करके प्रिंट करवा देगा। इसकी बजाय हम प्लस का साइन भी यूज कर सकते हैं, वो बाद में देखते हैं। तो आप देख सकते हैं पहले ये फर्स्ट पहला लूप ये मूव करेगा कलर के ऊपर। कलर के जो फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू मौजूद थी रेड, ये वो पिक करेगा और वाई पे मूव कर जाएगा। वाई में फ्रूट्स हैं तो फर्स्ट इंडेक्स पे एप्पल है, ये एप्पल के साथ प्रिंट करवा देगा रेड को। और जब तक ये लूप कंप्लीट नहीं होगा ये इस लूप के जो सेकंड आइट्रेशन उसमें मूव नहीं करेगा। चूँकि फर्स्ट आइट्रेशन में इसने रेड वैल्यू पिक की है तो रेड को एप्पल के साथ भी प्रिंट करवा देगा और बनाना के साथ भी प्रिंट करवा देगा। जब ये दोनों वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी ये फर्स्ट वाले लूप में दोबारा मूव कर जाएगा और उसके जो फर्स्ट इंडेक्स जो कि ब्लू है वैल्यू वहाँ पे उसको ये अब आइट्रेट करेगा फ्रूट्स की वैल्यूज के साथ। तो फ्रूट में पहले ब्लू एप्पल आ जाएगा फिर ब्लू बनाना। जैसा कि मैंने बात की है कि हम प्लस साइन के जरिए भी कंकैटिनेट कर सकते हैं टू स्ट्रिंग्स को, तो लेकिन इसमें यह है कि ये इसके दरमियान जो स्पेस इंक्लूड नहीं करवाएगा।